हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं टेकी लेंस। तो यार हाल ही में ओप्पो ने अपने दो नए फोन लॉन्च करे हैं जो कि है ओप्पो रेनो 4 एंड ओप्पो रेनो 4 प्रो। बट यार इस वीडियो हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे ओप्पो रेनो 4 प्रो के बारे में, देखेंगे इसकी स्पेक्स क्या है एंड क्या ये वर्थ इट रहेगी, वैल्यू फॉर मनी रहेगी आपके लिए अगर आप इस फ़ोन को परचेज करोगे तो क्या ये सही रहेगा एंड क्या मैं इसको आप लोगों को रिकमेंड करूँगा या फिर नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे एंड यार मतलब कुल मिलाकर सारी चीज़ें एनालाइज करने वाले हैं। सर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर देता है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हो तो यार एंड में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड आजकल मैं अपना हाथ बहुत चला रहा हूँ यार, इसको थोड़ी बहुत इग्नोर कर लेना, ट्राई कर रहा हूँ इसको मतलब ऐसे शांत रहूँ चुपचाप ऐसे, बट नहीं हो पा रहा है। सो प्लीज़ अवॉइड दैट एंड यप, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और हेल्पफुल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बट वो एंड में करना, पहले पूरी वीडियो देख लो। एंड जब मैं वीडियो बनाता हूँ तब ये करता है ठीक, ये जो लिजार्ड है वही। तो यार अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये फ़ोन अभी हाल ही में चाइना में लॉन्च हुए, इंडिया में लॉन्च नहीं हुए, बट क्योंकि चाइना में लॉन्च हो गए तो सारी चीज़ें पता लग गई है एंड यार इंडिया में ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ़ोन लॉन्च होने के बाद आने के लिए। तो बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन वाइज के, सबसे पहले बात करते हैं यार इसकी जो सबसे बड़े शकल डिस्प्ले जो कुछ भी आप बोल सकते हो उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको मिला 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले विथ HDR 10 प्लस एंड यस इसका रिफ्रेश रेट जो है वो 90Hz है। तो नॉर्मल रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, आपको यहाँ पर मिलता है 90Hz, 120Hz आपको डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती है, बट 90Hz भी काफ़ी अच्छी है नॉर्मल से, तो यार स्मूथ ही आती है। एंड क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन है एमोलेड है प्लस 90Hz है, तो यार डिस्प्ले चलाने में काफ़ी मज़े आएंगे। क्योंकि ज़्यादातर मतलब अगर आप छोटे बजट रेंज या फिर मिड रेंज फ़ोन या फिर ज़्यादातर फोन्स में अगर आप देखते हो तो 90Hz डिस्प्ले अगर आपको मिलती है, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले वगैरह देखने को मिलती है, बट वहाँ पर आपको ज़्यादातर केसेस में एमोलेड देखने को नहीं मिलती। तो कभी एमोलेड देखने को मिलेगी तो वहाँ पर आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलती है, बट इसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। एंड अगर हम इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 765। और देख रहे हैं यार मतलब जब मैं वीडियो बनाता हूँ सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं मेरे को परेशान करने के लिए एंड ये भाई साहब यहाँ पे आके बैठ गया है। भाई चलो थोड़ा साइड लगो। हाँ प्रोसेसर के बारे में बात करें तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 765G, जो कि ना कि फ्लैगशिप लेवल की प्रोसेसर है ना ही बजट फोन्स की प्रोसेसर, ये कहीं बीच में लाई करती है। तो भैया ये मतलब ना ही आपको फ्लैगशिप फ़ोन देखने को मिल रही है ना ही आपको बहुत ही लो रेंज में आपको फ़ोन देखने को मिल रही है। एंड बैटरी वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ आपको मिलता है 4000 mAh की बैटरी, बट इन केस जो कि यहाँ पर दो फोन लॉन्च हुए जो ओप्पो रेनो 4, तो 4 वाले में आपको 4020 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है और इसमें बस 4000 mAh की, तो 20 मतलब मेरे को नहीं लगता उतना कुछ उखाड़ पाएगा 20। एंड यार मेरे हिसाब से 4000 mAh थोड़ी बहुत कम पड़ सकती है, क्योंकि इसका डिस्प्ले जो है वो तो एक तो हाई रिफ्रेश रेट है, फिर उसके बाद 6.5 इंचेस की है, तो 6.5 इंचेस की डिस्प्ले यार बहुत बड़ी होती है, मतलब छोटी नहीं होती, अगर हाथ में पकड़ूँ तो सही में फील होगा। क्योंकि जो रेडमी नोट 8 प्रो वगैरह आता है, अभी मैं इस वीडियो को बनाने से पहले नीतीश से ही बात कर रहा था तो इसी के बारे में बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि भाई रेडमी नोट 8 प्रो जो उसके पास है उसने हाल ही में लिया, सो ऑफ मार रहे बहुत ज़्यादा, उसको पकड़ने में भी उसको मतलब बड़ी सी लग रही है, तो वो जो कि 6.3 इंचेस या 6.2 इंचेस का है, बट ये 6.5 इंचेस की है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी एक टाइप से हाथ में आती है, लगभग 7 इंच की है, 6.5 और 7 लगभग 7 की है, तो डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है। एंड यार इसमें पंच होल कटआउट देखने को मिलता है और सारी कंपनियां अलग अलग नाम दे देती है, हम तो टीका बोलते हैं जो कि बस एक साइड में बीच में नहीं है, साइड में काला वाला टीका जो बोलते हैं नज़र से बचाने के लिए जो लगाया जाता है, वो इधर साइड में वो वाली टीका आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, जहां पर आपको बेसिकली 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। एंड कैमरा के बारे में थोड़ी देर में हम लोग बात करते हैं क्योंकि हम लोग अभी बैटरी के बारे में बात करें। एंड यहाँ पर आपको मिलती है 65W के फास्ट चार्जिंग सुपर वोक चार्ज जिसको ये लोग बोल रहे हैं, एंड 65W काफ़ी तगड़ी होगी एंड जो फास्ट चार्ज 2.0 है इसके को ये सपोर्ट करता है, तो ये कुछ आपको बैटरी वगैरह कंपोनेंट्स में देखने को मिल जाती है। एंड अगर हम इसके कैमरा के बारे में बात करते हैं तो फ्रंट का जैसे मैंने अभी बता दिया आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। एंड अगर हम रियर कैमरा इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 3 सेटअप देखने को मिल जाता है, आप 4 भी बोल सकते हो ये आपकी मर्जी है, बट मैं 3 ही बोलूँगा, क्योंकि जो इसका प्राइमरी सेंसर है वो 48 MP का सेंसर है सोनी IMX586 और इसमें आपको OIS देखने को मिल जाती है।
एंड जो इसका सेकेंडरी कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है। प्रिटी मच आजकल के फ़ोन में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। एंड जो इसका थर्ड सेंसर है वो 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है। एंड यहाँ पर आपको कोई भी मैक्रो लेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इवन आई एम कन्फ्यूज यार, सारे कंपनीज मतलब क्वाड कैमरा के नाम पर ये चीज़ें डाल रहे हैं। मतलब मैं पर्सनली पूछता हूँ यार, कौन मांगता है मैक्रो लेंस 2 मेगापिक्सल की जो होती है, जो 5 मेगापिक्सल की होती है, ढंग की फ़ोटो नहीं आती यार कौन, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आता। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल के बताओ, क्या आप डिमांड करते हो फ़ोन में चार कैमरा हो जहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल की मैक्रो लेंस मिल जाए, जहाँ से आप मैक्रो फोटोग्राफी करोगे 2 मेगापिक्सल की? मेरे को पर्सनली नहीं पता यार, मेरे हिसाब से 3 लेंस बहुत सही है, जो कि टेलीफोटो, वाइड एंगल और उसका प्राइमरी। ये 3 लेंस का जो सेटअप है, मेरे को पर्सनली आई प्रिफर दैट, और मेरे हिसाब से वही बेस्ट है। एंड यस, आपको इसमें लेजर फोकस देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ये आपको कैमरा सारी स्पेक्स देखने को मिल जाती है। एंड ये फ़ोन आता है कलर वाइज 7.2 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैंने स्पेक्स पढ़ी थी, बट 7 ऐसा कुछ था यार, 0.2.1 भूल सकता हूँ, क्योंकि कलर वाइज पर्सनली आई डोंट लाइक कलर वाइज, मैं प्रिफर भी नहीं करता। मैं ज़्यादा प्रिफेयर करता हूँ स्टॉक एंड्रॉयड बिना ब्लोटवेयर, और ये ओप्पो वीवो वाले जितने मतलब ये सारी जो कलर वेस आते हैं बहुत ज़्यादा हाईली कस्टमाइज होती है, जो पर्सनली मेरे को अच्छी नहीं लगती, जो कि और ये एंड्रॉयड 10 बेस्ट कलर वेस है, तो आपको इसमें एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम इसके स्टोरेज रैम वेरियंट के बारे में बात करें, तो आपको 2 वेरियंट देखने को मिल जाएगी, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज एंड 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज। तो ये तो है सारी स्पेक्स। एंड इसका जो डिस्प्ले यार वो कब सा है, अब ये भी शायद बहुत पुराना हो गया, बट ये लोग अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट कोई नहीं, कौन मांगता है, कोई नहीं, मैं नहीं मांगता भाई, मेरे को नहीं चाहिए कब डिस्प्ले, जो प्लेन है वही मस्त है, राउंडेड कॉर्नर वो सेक्सी लगता है, बस दैट्स इट। तो ये सारी होगी इसकी स्पेक्स। तो अब आते हैं हमारी धन दौलत पैसे संपत्ति के बारे में, कि ये फ़ोन कितना चार्ज कर रही है। तो ऑनेस्टली बताऊँ यार, मतलब वीडियो बनाते बनाते मैं भूल गया कितनी इसकी प्राइस है, इसकी चाइनीज़ प्राइस मैं भूल गया, बट मेरे को इसकी इंडियन प्राइस पता है, बट क्योंकि ये फ़ोन अभी चाइना में लॉन्च हुआ है, तो चाइनीज़ प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये पेपर में है वह सारी इसकी प्राइस। तो यहाँ पर इसका जो 8GB वाला वेरिएंट है, जहाँ पर आपको 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलते हैं, वो चाइना में लॉन्च हुई है, लॉन्च क्या बोल रहा हूँ मैं, तो वो चाइना में लॉन्च हुई है 3799 युआन में, जो कि इंडियन में रफली होगा 40,500। एंड अगर हम इसकी हायर वेरिएंट के बारे में बात करें, जहाँ पर आपको 12GB ऑफ रैम एंड 256GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, तो वो चाइना में लॉन्च हुए 4299 युआन में। एंड अगर हम इसको इंडियन करेंसी में देखें, तो ये रफली 45,000 रुपीज़ होगी। तो क्या आप लोगों को इस फ़ोन को बाय करना चाहिए, खरीदना चाहिए, क्या मैं ये फ़ोन आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ? तो सिंपली वन आंसर, नहीं, क्योंकि यार 40,000 में आप वन प्लस 8 ले सकते हो, जो कि ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। एंड हाँ यार, एक चीज़ बताना भूल गया, इसमें 5GB है, तो आई डोंट नो सारे पैसे शायद इसी के हैं, बट मेरे हिसाब से 765G प्रोसेसर, मैं तो भाई वहीं अटक जाऊँगा, हट कीड़े साले, हट। हाँ, तो जो 765G प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का, मैं वहीं अटक जाऊँगा भाई, उसके लिए 45,000 या फिर 40,000 अगर आप बेस वेरियंट लेते हो तो कोई मतलब नहीं बनता। यही था मेरा अपना ओपिनियन, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। बाकी बात आपको क्या लगता है, वैल्यू फॉर मनी है, जो कि है तो नहीं, और क्या सोचते हो इस फ़ोन के बारे में, इंडिया में आएगा तो क्या वगैरह वगैरह, जो भी आपके थॉट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इतना था इस वीडियो के लिए, एंड अगर आप वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस।